नहीं मेरे भाई, और नहीं मेरे भाई, नहीं ये वो ये उसमें से लेस कर देंगे पेमेंट्स जो पैसे जा रहे हैं, तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो आपका कैश एट एंड आ जाएगा। लेकिन हमने हर महीने के दौरान ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो कहता है एक्सप्लेन थ्री एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। तो कैश बजट बेसिकली गिव्स यू ऑप्शन टू फोरकास्ट योर कैश पोजीशन, तो ये फायदा उसका। दूसरा, कैश बजट बेसिकली टेल्स यू दैट हाउ मच लोन और ओवरड्राफ्ट इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। फिर लिक्विडिटी पोजीशन बताता है आपकी, उसके बाद बताता है कि आप कैश बजट इज नेसेसरी टू बी गिवन टू द बैंक इन केस ऑफ बैंक लोन इज रिक्वायर्ड। आप कैश बजट बैंक लोन बैंक को दिखाना पड़ेगा बनाकर, इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू गेट द लोन इफ यू विल प्रिपेयर द कैश बजट, क्योंकि बैंक विल एडमायर दिस थिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड द कैश बजट दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर रिगार्डिंग योर बिजनेस। बैंक विल फील एट ईज टू गिव यू द लोन रिगार्डिंग कैश, उनके लिए जरा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, कैश बजट जो है वो किस तरीके से हमने कैश बजट इज बेसिकली यूज्ड टू फोरकास्ट कैश पोजीशन। जी नेक्स्ट चलते हैं जी, कैश बजट प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द थ्री मंथ्स बिगिनिंग जुलाई। मैं कैश बजट लिखता हूँ, उसका फॉर्मेट भी सामने हम डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है, उसके अंदर बजट जुलाई है ना, इसका मतलब है हमने बनाना है कैश बजट किसका, जुलाई का और तीन महीने ना अगस्त का, और किसका बन जाएगा जी सितंबर का। तीन महीनों का हमने कैश बजट जो बनाकर दिखाना है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं हम। ये हमारा कैश बजट जो है वो बन जाएगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले कैश बजट के अंदर आप हेडिंग जो देते हैं वो क्या होती है, रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब कोई बता सकता है मुझे, पैसे आपने रिसीव किए, यानी कि रिसीट्स का मतलब जो पैसे आपके पास आ रहे हैं। अब देखते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं इसकी तरफ। और दूसरा जो हेडिंग होगी सारी बात है वो पेमेंट्स की होगी, कि आपने पेमेंट जो करनी है वो आप किस तरीके से, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह ये आपको आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। तो बजटिंग जो है ये तो खेल कूदने वाला चैप्टर है ना। कहते जी, स्टार्ले हैज बीन ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर फॉर मेनी इयर्स, द ईयर एंड 31st दिसंबर ही इज प्रिपेयरिंग अ कैश बजट एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द थ्री मंथ्स पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2019, यानी जुलाई अगस्त और सितंबर का पीरियड है। टोटल इनकम ऑफ 120,000 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल फॉर क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड इन इक्वल अमाउंट्स ओवर द थ्री मंथ्स पीरियड। चलिए जी बताएं क्या कह रहे हैं, टोटल इनकम ऑफ 120,000 यानी टोटल सेल्स of 120,000, the total amount received of 120,000 from trade receivables for credit sales will be collected in equal amount, hum wo collect karenge milegi hame equal amount mein over the 3 months period, 120 divided by 3। july mein kitni karenge 60,000, august mein kitni karenge 60,000, aur september mein kitni karenge 40,000 receive karenge hum। theek hai ji, ये अमाउंट हमारी रिसीव हो जाएगी 120,000 का डिवाइड बाय 3 करके। उसके बाद आपकी आ जाती है जी कि कैश सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द कैश कलेक्टेड ईच मंथ फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, देयर विल बी नो ट्रेड रिसीवेबल एट 1st जुलाई 2019। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कोई नहीं है, कैश सेल्स वो कह रहा है कि 25% ऑफ द कैश कलेक्टेड ईच मंथ फ्रॉम क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल्स जो पैसे मिल रहे हैं आपको, यानी कि 40,000, उसका 25% जो है वो क्या है, वो कैश सेल्स। 40,000 का 25% पता कितनी बनती है, 10,000 आपकी कैश सेल्स है और 40,000 आपकी क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स से वो पैसे आपको मिल रहे हैं,
असल में आपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं करनी है, आपने तो रिकॉर्ड करना है जो पैसे आपको इस साल मिल रहे हैं। ठीक है जी, अक्टूबर नंबर 18 का सवाल है, पेज नंबर 488 है मेरी बुक का, आपका भी वही है अक्टूबर नंबर 18। कैश बजट हम पढ़ रहे हैं, आगे जी अभी पढ़ते हैं, बाकी भी बाद में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। टोटल क्रेडिट परचेज ऑफ 75,000 विल बी पेड इन इक्वल अमाउंट्स ओवर द 3 month पीरियड, यानी 25,000 और 25,000 हम परचेजेस जो है वो पे करेंगे। कैश परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द कैश पेड ईच मंथ फॉर क्रेडिट परचेजेस एंड देयर विल बी नो ट्रेड पेबल्स। तो हमें कितनी कर रहे हैं, 25,000 का 20% कितना आ जाएगा, ये भी 5,000 आ जाएगा, है ना। तो 5,000 रुपया जो है वो हमारी कैश परचेज होंगी। The bank balance on 1st July was given 3,500. Starley expected to receive a bank loan of 30,000 on 1st August. August में 30,000 पे आप लिखेंगे जो bank loan से आपको मिल रहा है, receive हो रहा है, और उस पर जो interest है will be paid monthly in arrears at 5% per annum. वो September से start होगा, arrears का मतलब होता है अगले महीने, बकाया जात की सूरत में अगले महीने पे करेंगे 5% के हिसाब से 30,000 पर। 5% कितना आता है बेटा, 1,500, है ना, और उसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एनुअल नहीं है, हर महीने पे करना है आपने। ठीक है जी, नो कैपिटल विल बी रीपेड अंटिल जुलाई 2020, यानी कि आपने बैंक जो लोन लिया था वापस नहीं किया अभी तक। न्यू मशीनरी खरीदी आपने, कॉस्टिंग 60,000 विल बी परचेज बाय चेक ऑन 15th अगस्त। स्टार्ले की पॉलिसी है इस डेप्रिशिएट मशीनरी एट 25% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, अ फुल ईयर डेप्रिशिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो डेप्रिशिएशन का हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों, कैश में, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है, लेकिन उसकी वजह से आपके कैश में कोई इजाफा या कमी नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन हमारे कैश बजट में आता ही नहीं है। आगे जी, स्टार्ले कहते हैं जी, रेंट्स पार्ट ऑफ हिज बिजनेस प्रीमिसेस फॉर 6,000 पर एनम एंड रिसीव्स दिस रेंटल इनकम ऑन ए मंथली बेसिस। 6,000 रुपया वो अपनी प्रीमिसेस देता है रेंट पे, पैसे मिलते हैं उसको 12 महीनों के हिसाब से, 6,000 एनुअल है, डिवाइड बाय 12, 500 पर मंथ उसको मिलेगा रेंट, रिसीव करेगा वो। जनरल एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड, यानी इस साल के एक्सपेंस अगले महीने पे करेंगे, और जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून जो है वो 6,000 के हैं जो जुलाई में पे होंगे, और जुलाई को जो है वो कहता है 5% इंक्रीज कर जाएंगे जो अगस्त में पे होंगे, और फिर 5% इंक्रीज कर जाएंगे जो अगले महीने पे होंगे। सार्ले मेक्स एनुअल कैश ड्राइंग्स एट 15,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 1st January एंड 1st July ईच ईयर। तो 1st January की तो नहीं आएगी, लेकिन 1st July की ड्रॉइंग्स की पेमेंट आपकी आएगी, कितनी, 7,500। ओके, वो कह रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आधा आधा 50%, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है जनवरी में एक दफा और एक दफा जुलाई में, यानी 7,500 पे करेंगे जनवरी में और 7,500 पे करेंगे जुलाई में। मैं बनाता हूँ कैश बजट, तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ आपको इसमें आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं हम रिसीट्स के जरिए। जी, तो रिसीट्स अगर आप लिखेंगे वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये जरा मैं इसको सेव कर लूं। जी, सीट्स में सबसे पहले जुलाई की आपकी क्या आ जाएंगी, सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश सेल्स जो हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी इधर बड़े में आ गया। कैश सेल्स हम कितनी रिसीव कर रहे हैं, रोहन आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ, शुरू में चले जाएंगे हम सवाल के। टोटल इनकम 1,20,000 है जो ट्रेड रिसीवेबल से आपको मिलनी है, क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट सेल्स, और वो इक्वल अमाउंट मिल रही है 3 महीनों में, यानी 40-40-40 मिल रही है, और 40,000 का 20% जो है वो कैश सेल है, और वो भी कह रहा है कि हर महीने हमें मिलेगी। तो कैश सेल्स 40,000 का 25% कितनी बनती है भाई, 10,000। तो कैश सेल इसकी भी आ जाएगी 10,000, अगले की भी आ जाएगी 10,000, और उससे अगले की भी आ जाएगी 10,000। नेक्स्ट आपका आता है जी, नेक्स्ट आपकी आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। राइट सेल्स कितनी आएगी बेटा, वो 40,000 उसने बता दी है, 40,000। नेक्स्ट की भी आपकी आ जाएगी 40,000, और नेक्स्ट की भी आपकी आ जाएगी जी 40,000 जो रिसीव हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद देखते हैं कि और कोई रिसीट्स तो नहीं है इसके अलावा, रिसीट तो लिख ली मैंने, लेकिन इसके अलावा भी तो रिसीट हो सकती है ना, जो पैसे, एक रिसीट है मेरा ख्याल है,
हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं क्या भला, रेंट रिसीव कर रहे हैं। लिखूंगा रेंट रिसीव, मैं देखता हूँ कि रेंट रिसीव कहाँ लिखा हुआ और किस हिसाब से हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। नहीं नहीं, बैंक लोन भी रिसीव किया भाई जान, बैंक लोन जो रिसीव किया वो भी तो आना है, पेमेंट उसकी इंटरेस्ट करनी है ना, लोन तो मिला है ना भाई, कैश बजट में आ रही है, जो कैश आएगा वो लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो प्रीमिसेस जो हमने रेंट पे दी है वो 6000 पर एनम है, तो कितना रिसीव कर रहे हैं रेंट मंथली बेसिस पर, 500 आ जाएगा। तो रेंट रिसीव्ड आपका आ जाएगा 6000 डिवाइड बाय 12, 500, आगे भी आपका आ जाएगा जी 500, और लास्ट में भी आपका आ जाएगा जी 500। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा जी, बैंक लोन। भाई बैंक लोन कैश में मिला आपको कब, कब मिला है, अगस्त में, कितना, 37 आपको लिखना पड़ेगा। इसका हम कर लेंगे टोटल, तो आपके पास टोटल रिसीट्स जो है वो आ जाएंगी, जो कि आपको कलेक्ट हुई है टोटली, बैंक बैलेंस नहीं यूज होगा, बताता हूँ वो भी यूज होगा क्यों नहीं होगा, लेकिन इसका तरीका है ना, इस तरीके को फॉलो करना है ना जी। टोटल बताइए जी कितना कितना आता है जी, ये आपका आ जाएगा जी 50,500, ये आपका आ जाएगा जी 80,500, और नेक्स्ट आपका दोबारा आ जाएगा क्या बोला 50,500। ठीक है जी, ये वो पैसे में रिसीव हो रहे हैं, तो कैश बजट बना रहे हैं ना, कैश जितना आ रहा है उतना मैंने लिख लिया, जुलाई में जितना आ रहा है, अगस्त में कितना आ रहा है, सितंबर में कितना आ रहा है, तो वो हमने अपनी रिसीट साइट के ऊपर लिख कर टोटल कर दिया है। अभी टोटल रिसीव करना सर में, टोटल रिसीव में से टोटल पेमेंट्स माइनस करेंगे तो आपके पास कैश एट द एंड आ जाएगा, उसमें कैश एट द स्टार्ट ऐड करेंगे तो फिर कैश एट द एंड वो नेट कैश आएगा आपके पास जी। तो यहां तक बड़ा सा मसला है तो बताएं, छुपा को किए ना, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी। सर जी मलाइका बताओ, समझ आ गई, आसान है ना, अभी आसान है, कल आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो कैश बजट का पहला सवाल है, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप फिर ये मुश्किल होता जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी पेमेंट्स की तरफ चलते हैं, मैं लिख लूंगा जी हेडिंग में पेमेंट्स, याद रखिएगा वैसे बता रहा हूं, नॉर्मली क्वेश्चन में कैश परचेज होती नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि हम खरीदते उधार पे और कोशिश करते हैं कि बेचें कुछ ना कुछ कैश पे और क्रेडिट पर भी बेचते हैं, तो कैश परचेज बहुत कम होती है, हम क्रेडिट परचेज करते हैं और ज्यादातर सेल करते हैं, तो उसमें थोड़ी कैश सेल होती है, ज्यादा क्रेडिट सेल होती है, क्योंकि उधार पे बेचना पड़ता है आपको बड़े कारोबार के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के अंदर या बड़े कारोबार में आप उधार पे चीज सेल आउट करते हैं, तभी बैड डेट्स होते हैं, तभी बैड डेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कितना आ जाएगा जी कैश परचेज आपकी, ये आएंगी आपकी 5000, नेक्स्ट भी आपकी आ जाएंगी 5000, और नेक्स्ट भी आपकी आ जाएंगी 5000। क्यों सर, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखें कहता है जी कैश परचेज एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द कैश पेड ईच मंथ फॉर क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेजेस जो है वो टोटल है 75,000 की, और वो हम इक्वल अमाउंट पे पे कर रहे हैं रोहान, इक्वल अमाउंट का मतलब 25-25-25, उसका 20% 5000 ही बनता है, 5000 हमारी कैश परचेजेस बन जाएंगी, और क्रेडिट परचेजेस में से जो आप पे कर रहे हैं वो भी आप, सारी बात है आपने लिखना है जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं आप 25,000 and 25,000 राइट। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं जी और हमने कौन सी पेमेंट की है, और पेमेंट आपकी आ जाएगी जी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट पेड जो आपने करना है किसके ऊपर, भाई जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना, देखें जो हमने लोन लिया था 30,000 का उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मंथली इन एरियर्स, अगले महीने पे करते हैं हम 5% पर एनम के हिसाब से, नो कैपिटल विल बी रीपेड, 30,000 का 5% आप निकालें वो पर एनम है, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा बेटा, 30,000 का 5% और मल्टीप्लाइड बाय सॉरी जो आएगा तो उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम 12 से, तो कितना आते हैं 125, और ये हम पेकअप करेंगे, हम लोन कब लिया था बेटा अगस्त में, तो पेकअप करेंगे हम सितंबर में पे करेंगे 125, पेमेंट में आपके आ जाएगा सितंबर में 125 जी जी, अक्टूबर में भी करेंगे, नवंबर में भी करेंगे, लेकिन अक्टूबर का क्वेश्चन सॉल्व
नहीं कर रहे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम्हारा क्वेश्चन हम सॉल्व करें। जब हम सॉल्व ही नहीं कर रहे तुम्हारा क्वेश्चन, तो हमें उसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत है ही नहीं। तो इंटरेस्ट पेड हमारा आ जाएगा सिंपल सा, जो आ रहा है पेमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या कहते हैं आगे। कहते हैं न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 विल बी परचेज बाय चेक ऑन 15 अगस्त। मशीनरी लिख लेते हैं जी, हमने मशीनरी खरीदी है वो भी आपकी पेमेंट में आएगी। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर कमाल है इसमें आप एक्सपेंस भी लिखी जा रहे हो और एसेट भी लिखी जा रही है, ये क्या बात है? भाई हम ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम कैश बजट बना रहे हैं। जिस किसी चीज की वजह से कैश आएगा वो रिसीट में लिखी जाएगी, जिस किसी चीज की वजह से कैश जाएगा आपके पास से डिक्रीज होगा वो लिखी जाएगी, चाहे वो रेंट रेंट पेड हो या चाहे वो मशीनरी परचेज करने की वजह से कैश जा रहा हो। 15 अगस्त को मशीनरी परचेज की है भाई, कितने की? 60,000 आपका मशीनरी अकाउंट में लिखा जाएगा जो क्रेडिट साइड पर आप लिख देंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं आता, हालांकि 25% अगर डेप्रिसिएशन आप निकाले बेटा पर एनएम के हिसाब से तो एक साल की आपकी आती है 15,000, और महीनों की भी आ जाएगी 3 मंथ्स की, 3/12 निकाले तो वो आ जाएगी आपकी तकरीबन कोई जो भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में आता है ना, डेप्रिसिएशन की वजह से कैश में कोई कमी वाकया नहीं होती, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि उससे कैश पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद आपने प्रीमिसेस रेंट आउट की थी 6,000 की और रिसीव किया था रेंट ऑन मंथली बेसिस, वो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं किस हिसाब से ये रेंट रिसीव जो रिकॉर्ड किया 500 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। फिर जनरल एक्सपेंसेस हैं, आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड। तो जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून कितने हैं? 6,000। तो जून में जनरल एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं जी कितने के? 6,000 के जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके जून में 6,000 के। इसी तरह जुलाई में इसमें 5% क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो जुलाई में कितने हो जाएंगे? 6,300। सर समझ नहीं आई, देखें वो कहते हैं जी दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% इन जुलाई, तो 6,000 का 5% होता है 300, इसका मतलब है जुलाई में हम पे करेंगे 6,300 आगे, एंड ए फर्दर 5% इन अगस्त, और अगस्त में मजीद इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगस्त में 6,300 का 5% निकालें जी 315, और वो 6,300 में ऐड कर दें 6,615 हम पे करेंगे सितंबर में, जो अगस्त में जनरल एक्सपेंसेस में इंक्रीज आया है वो आप पे करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आप ड्राइंग्स की पेमेंट भी कर रहे हैं, और ड्राइंग्स वो पे करता है स्टारले मेक्स एनुअल कैश ड्राइंग्स ऑफ 15,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 1st January एंड 1st July ईच ईयर। तो 15,000 जो है वो ड्राइंग्स करता है वो, लेकिन वो साल में 2 दफा करता है, एक करता है जनवरी में और एक करता है आधे पैसे जुलाई में। तो जुलाई में आपके 15,000 की कैश ड्राइंग्स आ जाएंगी सिर्फ जुलाई में 15,000 की, और ये पेमेंट्स में 15,000 आपका आ जाएगा। So this is how we are going to prepare the cash budget. Looks very easy, very you feel very comfortable about it. But जब इसमें जो नई चीज आती है शामिल होके वो trade receivable, trade payable budget का साथ है, वो कैसे? जब वो question में कहेगा credit sales हो रही है और credit sales के पैसे आपको मिल रहे हैं 50% अगले महीने और बाकी मिले 50% उससे अगले महीने discount के साथ, तो फिर changes आना शुरू हो जाएंगे। You have to go diagonal. इस तरह purchases के अंदर भी वो कहेगा कि आपको अगले महीने 50% pay कर रहे हैं, उससे अगले महीने 50% pay कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा कैश बजट के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बजट की जो डिफिकल्टी लेवल था वही इसमें जाके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बनेगा, चेंज कोई नहीं है। इसका हम कर लेते हैं पेमेंट्स का टोटल, तो यहाँ पर हम इसका कॉलम बना लेते हैं जी। जी पेमेंट्स माइनस नहीं करेंगे आप, पहले आप पेमेंट्स का टोटल लिखेंगे उसके बाद माइनस की बारी आएगी। पेमेंट्स का टोटल मुझे बताएंगे टोटल पेमेंट्स कितनी आती है हमारी, 43,500। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी टोटल पेमेंट्स का 96,300, और नेक्स्ट के 25 और 5 30 होता है,
36740 आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना ये आपका आ जाएगा नेट कैश। नेट कैश, नेट कैश कैसे निकालेंगे आप, 50,500 जो रिसीव किया रहा ऊपर उसमें से माइनस कर देंगे 43,500, यानी इसमें से 50,500 टोटल रिसीव्ड है मलाइका, 43,500 माइनस कर देंगे तो मेरे पास नेट कैश की अमाउंट जो है वो आ जाएगी जी 7,000। 80,000 में से माइनस करेंगे आप नेगेटिव में आएगा 15,800 सॉरी आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा बेटा, इनके ब्रैकेट डालनी पड़ेगी और आखिर में 50,000 माइनस 36740 पॉजिटिव में आ रहे हैं। ठीक है जी, आगे इसके बाद क्या आएगा, कैश एट द स्टार्ट, नेट कैश के बाद आप क्या लिखेंगे, कैश एट द स्टार्ट और उसके बाद एंड पे आप क्या लिखेंगे, कैश एट द एंड। अब कैश एट द स्टार्ट हमें क्वेश्चन में बताया है किसका वाला, जुलाई का, क्यों सर, क्योंकि जुलाई का ओपनिंग तो है ही नहीं हमारे पास, तो जुलाई का हमें क्वेश्चन में उसने बताया है, पॉइंट नंबर 4-5 है, The bank balance on 1st July is expected to be 3,500. तो 1st July को जो हमारा bank balance है, जो question में पहले से दिया हुआ है कि July में पास कितना cash पहले से पड़ा हुआ था, वो कितना है 3,500. इस दफा जो cash में change आ रहा है, वो कितना आ रहा है 7,000 positive है, तो आपका closing cash कितना हो जाएगा automatically 10,500 है कि नहीं। Closing cash at the end जो है वो आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कितना 10,500। उसके बाद ये जो 10,500 है बट सब ये आगे जाके रुहान कैश एट द स्टार्ट बन जाएगा ना अगस्त का, तो ये 10,500 में यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव, तो आपका जो नेगेटिव कैश है वो कम हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो बन जाएगी 5,300, क्योंकि पॉजिटिव में से आप माइनस करेंगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसी तरह अगले साल जो कैश एट द एंड है वो अगले साल का कैश एट द स्टार्ट बन जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो आपका कैश एट द एंड पॉजिटिव आ रहा है तो कितना आएगा माइनस करके आप निकालेंगे 8460 ये आपका आ जाएगा कैश एट द एंड। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द कैश बजट, हमने बनाया है अपने क्वेश्चन के लिए हमने कैश बजट इस तरह से, हम कैश बजट जो अपना बनाते हैं जुलाई का भी है जी और अगस्त का भी बनाया हमने सितंबर का भी जो है वो कैश बजट बनाकर दिखा दिया है। जी ओके समझ आ गई, इसमें कोई मसला नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते हैं मुझसे। थैंक यू।